म्यांमार में लोकतंत्र। 4 जनवरी सन 1948 को ऑंग सैन नामक एक बर्मन जातीय समूह के नेता के नेतृत्व में म्यांमार को स्वतंत्रता मिली। सन 1951, 1956 एवं 1960 में चुनाव हुए। स्वतंत्र बर्मा में साओ शो थैक प्रथम राष्ट्रपति एवं यू नू प्रथम प्रधानमंत्री थे। सेना अध्यक्ष जनरल नेविन ने सन 1962 में निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट दिया और देश का शासन अपने हाथों में ले लिया। सन 1962 एवं सन 1965 के बीच जमींदारी और सूदखोरी के खिलाफ महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। सन 1988 में सेना के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसे सेना ने बड़ी निर्ममता से कुचल दिया। म्यांमार के शासकों ने सन 1990 में चुनाव घोषित किए। इन चुनावों में एक राजनैतिक दल नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD ने 80% के भारी बहुमत से चुनाव में जीत हासिल की, जबकि उनकी नेता सूकी जेल में थीं।